ये 27वां साल हमारा है, 26 साल से निरंतर जारी है। ये 27वां साल भोले बाबा की कृपा से आपके सामने सुंदर रूप निखर के आ रहा है, और जिस तादाद में हर साल कावड़िया बढ़ता है और उतनी सेवाएं बढ़ानी पड़ती हैं। भोजन की व्यवस्था है, टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था है, डॉक्टर्स की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है। खाने पीने में दो सब्जी एक दाल, कढ़ी, चावल, चपाती, कच्ची रोटी जैसे जो है, पूरी और सब्जी, आलू की सब्जी और पूरी, छोले, मटर छोले जैसे कुलचे छोले लगाते हैं, साथ में एक कभी टिक्की या कभी चिल्ला और पुरानी दिल्ली की कुल्फी, साथ में एक मीठा खीर या हलवा बनेगा। सभी भोलों के लिए व्यवस्था प्रॉपर 28 तारीख से लगनी शुरू हो जाएंगी। महिलाओं के लिए देखिए क्या होता है जी, महिलाएं तकरीबन वैसे तो ग्रुप में ही आती हैं, सब भोलों के साथ में आती हैं, कोई बहन होती है, कोई बेटी होती है, कोई भाभी होती है, कोई माँ होती हैं, तो भोलों के साथ ही आती हैं, भोलों के साथ ही रुकती हैं और सभी भोले हो जाते हैं। उस समय कोई महिला कोई जेंट्स वाली व्यवस्था नहीं रहती, वो भोले भी और माताएं भी कपड़े पहन करके, हम तो माताएं कहते हैं सभी को, जैसे चाहे बहन है बेटी है सबको, कभी कावड़ लेके जब आती हैं तो सब माताएं हो जाती हैं, तो माता के रूप में ही हम दर्शन करते हैं, तो माता के रूप में ही देख करके। वैसे अगर कोई अलग से महिलाएं आती है तो उनके लिए हमने रहने की व्यवस्था अलग से भी की हुई है, ताकि अगर वो जेंट्स में नहीं बहना चाहती, नहीं सोना चाहती, तो उनके लिए हमने आराम गृह अलग से बनाया हुआ है। कूलर की व्यवस्था है, पंखों की व्यवस्था है, जनरेटर हमारे लगे हुए हैं, लाइट कई बार मानो नहीं हो पाती तो हमने जनरेटर भी रखा हुआ है, तो दिल्ली सरकार के माध्यम से सेवाएं काफ़ी हमें मिलती हैं। पवित्र माह की शुरुआत हो चुकी है, भोले के भक्तों का तांता दिल्ली आना शुरू हो गया है। जी हाँ, तस्वीरों में देख सकते हैं हम लोग इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के कश्मीरी गेट बने शिव कावड़िया कैंप में, जहाँ पर आप देख सकते हैं भोलों का तांता यहाँ पर पहुँच चुका है। जो भोले हरिद्वार से कांवड़ लेकर राजस्थान और हरियाणा की तरफ जाने वाले हैं वो भोले दिल्ली पहुँच चुके हैं, और उन्हीं के लिए कश्मीरी गेट पर तमाम तरीके की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वाटरप्रूफ टेंट का इंतजाम यहां पर किया गया है, किसी भी भोले को गर्मी से परेशान ना होना पड़े उसको लेकर कूलर का भी खासा इंतजाम यहां पर किया गया है, और तरीके से खान पान की व्यवस्था भी यहां पर दी जा रही है। वहीं मैं आपको बता दूँ कि पंडाल देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पंडाल जो है वो इतना बड़ा बनाया गया है कि लगभग 20,000 भोले जो है वो यहाँ पर आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, और अगर सोने की बात की जाए तो लगभग 8 से 10 हज़ार भोले यहाँ पर आराम फरमा सकते हैं। साथ ही साथ अगर इस कावड़ कैंप की बात की जाए तो महिलाओं के लिए खासी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। महिलाओं के लिए यहाँ पर खास तौर से अलग से इंतजाम किया गया है कि जो महिलाएं कावड़ लेकर आती हैं उनको किस तरीके की परेशानी ना हो और वो आराम से यहाँ पर आराम कर सकें, किसी तरीके से उनको कोई दिक्कत ना हो। वहीं अगर बात की जाए नहाने के स्थान की तो उस स्थान को भी सुनिश्चित किया गया है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये दूसरी तरफ वो स्थान बनाया गया है जहां पर महिलाएं लगभग 1,000 से 1,200 महिलाएं जो हैं यहां पर आराम कर सकती हैं, और भोलों के लिए हर तरीके के खान पान के इंतजाम का यहाँ पर खासा ध्यान रखा गया है, तो वहीं मेडिकल सुविधा का भी बेहद बखूबी ध्यान रखा गया है। भोले हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है, कहाँ से कांवड़ लेकर आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार से ले रहे हैं। सापरा तहसील जयपुर जाएंगे। आप कश्मीरी गेट कैंप में रुके हुए हैं, किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पर मिल रही? बढ़िया मिल रही, ठीक है, ठीक है। खाने पीने की व्यवस्था? पूरी सब्जी अच्छी मिली जाए और जाए नाश्ता सब अच्छा। क्या कहना चाहेंगे जो इतने बड़े बड़े कैंपों का आयोजन किया जाता है खास तौर से आप जैसे भोले भक्तों के लिए? बहुत बढ़िया काम हो रही है। आपने सुना, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि व्यवस्था दी जा रही है, कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां ज़रूर हैं लेकिन उन व्यवस्थाओं को नकारा नहीं जा सकता है। कुछ और भोले भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किस तरीके की सुविधाएँ आपको यहाँ पर मिली? सब चीज़ की सुविधा है, खाने पीने की व्यवस्था? हाँ, हो गया अभी कुछ हो गया। हाँ जी, देखा कि भोले भक्त जो आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो हर तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं, और उन सुविधाओं से कहीं ना कहीं सभी जो हैं बेहद ही संतुष्ट हैं। वहीं अगर इस कैंप के चीफ सेक्रेटरी की बात की जाए तो उन्होंने भी बताया कि क्या क्या सुविधाएँ यहाँ पर दी जा रही हैं, और
लगभग 27वां साल है जो इसी जगह पर पंडाल लगाया गया है और उस पंडाल में हजारों भोले भक्तों के लिए जो है सुविधा मुहैया कराई जा रही है और इसी तरह हर साल ये कावड़ कैंप लगाया जाता है। वीडियोस मनीष के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।